वेलकम टू टनमर्ग। चलो मिलते हैं आके, है ना, बताते हैं आके फिर। ये हम यहाँ आ गए हैं गोंडोला के लिए, यहाँ से जाते हैं। चलो आपको दिखाऊं बर्फ का घर, इसको इग्लू बोलते हैं, जो अभी अभी बन रहा है। दिस इज अ टनमर्ग एंड लुक एट द फ्रंट ऑफ दिस। ये सामने ना, उधर सामने गेट है, जूते और अपर बर्फ में जाने के लिए मिलता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाँ, आज हमारा गुलमर्ग जाने का प्लान है, तो हमारी 9:30 बजे गाड़ी आने वाली है, तो गुलमर्ग जाने का प्लान है। तो बता रहे हैं वहाँ बहुत स्नोफॉल है, और फेज 1 ओपन है अभी फ़िलहाल में, फेज 2 भी ओपन है वैसे, लेकिन फेज 2 में जाने से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा है वहाँ का। तो हमने फेज 1 की टिकट करे हैं, 740 रुपये का टिकट हुआ है एक जने का। तो गोंडोला में जाना पड़ता है, और बड़ी वाली गाड़ी नहीं जाती है वहाँ से, छोटी गाड़ी करके जाना पड़ा था 10-1 किलोमीटर के लिए, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी जनवरी के महीने में बड़ी दिक्कत चलती है। तो आज का सफ़र हमारा गुलमर्ग का रहेगा, तो इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि गुलमर्ग में जाने पर क्या वहाँ का माहौल मिलता है, क्या एक्सपीरियंस है। तो आपसे फिर हम रास्ते में बात करेंगे। ओके, ये हॉल है, डाइनिंग है, चलो गिफ्ट। ये डल लेक की मछली है, कौन सी मछली है? डल लेक की मछली। वाह यार, क्या रुपए किलो बिकती है? 400 रुपए किलो। नाम क्या है? ऑपलेट। ऑपलेट है। ऑपलेट पकड़ ली गई है। वेलकम टू टनमर्ग। बिना के ड्राइवर ते के साथ में प्रिया का शहर के सॉरी छोड़ का का गोल टोट की तो तू टनमर्ग का बहुत से थी शहर के ही होए जाने लिख ना ओ सॉरी खर को छोड़ का सॉरी खर को। अच्छा,
ठीक है ना, वो मेरे ऊपर मेहरबानी करना, क्योंकि हमें टेंशन में नहीं रखना। अच्छा अच्छा ठीक है, आप जाओ के ऊपर, क्योंकि हमें पता नहीं रहेगा। हाँ। हमें पता रहता है उनके और उस आदमी के साथ, क्योंकि उनके पास पूरा लाइसेंस होता है टूरिज्म का। हाँ। वो जिम्मेदारी है उसका, ठीक है ना, वो मेहरबानी हमारे ऊपर, ठीक है। पहले ऊपर वाले के हवाले, फिर उसके उस बंदे, क्योंकि अगर मेरे कस्टमर को कुछ भी हो जाएगा मैं उसको पकड़ूंगा। सही बात है, उसको टूरिज्म पकड़ेगा, टूरिज्म पकड़ेगा, ये दिमाग मेरा। ओके, उसका मैंने आपको बोला है पूरे दिन का 6 घंटे लगना लगेगा उसका, और कोई टेंशन, खाना पीना उसका कुछ नहीं। अपने दिल से पिलाओगे चाय, वो अलग बात है। जैसे मुझे भी बोलते बिलाल भाई चलो चाय पियो, आप खाते हो कुछ मुझे भी देते। हाँ। वो अपने दिल से देते, ठीक है, वो मेरे ऊपर मेहरबानी मेहरबानी। ठीक है ठीक है, सब बच्चे लोग और पापा भी साथ है, अच्छी तरह जाना, और उसके साथ वो करेगा गाड़ी ने उसके साथ चलना है, ठीक है, वरना एक आदमी इधर से जाएगा। अच्छा, वो घूमने का डर रहता है फिर? वो आपको पूरा ऊपर एंजॉय कराएगा, जो भी आपको खाना पीना होगा वो ऊपर करना। इधर खाली आपको जूता और जैकेट लगाओ और ऊपर जाओ, गाड़ी रेडी है। अच्छा, खाली आपको जूता और पीना है, कुछ नहीं करना, इधर नहीं करना है। अच्छा। ऊपर करो, अभी आपको और 15-20 मिनट ऊपर लगेंगे जाने में, 13 किलोमीटर है यहाँ से, 13 किलोमीटर 15-20 मिनट गंडोरा राइड पे पहुंचोगे, उधर आप चाहे मैगी खाओ, चाहे चाय पियो, चाहे पकौड़ा खाओ, चाहे समोसा खाओ, या मुर्गा खाओ, या बड़ा मीट खाओ, ठीक है। उधर ऊपर इधर कोई टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा, खाली वेस्ट 10 या 15 मिनट करना है, खाली जूता और अपना ये दिखाना है। तो यहाँ स्टैंड कितनी दूर है यहाँ से? बस हम पहुँच गए स्टैंड है इधर, इधर गाड़ी का कोई वेट नहीं। और इधर सुनो मेरी बात, पैसा तब देना है जब आपको गाइड जो होगा ना सर, जब वापस छोड़ेगा ना गाड़ी इधर मेरे पास, तब पैसा देना है गाड़ी का, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं देना है, जो आपके साथ लोकल जाएगा ना वो भी यही बात बताएगा, पहले कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। गाड़ी वाड़ी का कुछ पैसा नहीं देना उस आदमी का, 600, ठीक है। जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचेगा तब पैसा देना है, ठीक है। हाँ। ये ध्यान में रखना, अगर ड्राइवर आपको पैसा मांगेगा रास्ते में कुछ नहीं बोला, बिलाल भाई उधर ही देगा। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है बिलाल भाई, आप तो गाड़ी। गुलमर्ग में पहुंच गए और ये बैग मेरे को दे देना। श्री वेलकम टू गुलमर्ग, चलो चलो चलो, देखिए मेरे साथ चलो भाई, बाहर बाहर बहुत है, सब लोग ध्यान रखेंगे। नवीन एक लो पकड़ लो मेरा, सर मुझ में ये नहीं आ रहा है कि चलने के यहां से आता, अब यहां से जैसे ये लोग मैं एक साइड में आ जाऊं कि नहीं आ जाऊं, बोलो। Wow, so beauty. All are why. अभी का करंट टेम्परेचर -3 degrees है और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, आप देखें। यहाँ पर हम टवेरा से आए हैं, 2000 रुपये के अप्रॉक्स लिया उन्होंने। चलो ना आगे, चलो ना, सुनना क्यों भैया, आपका क्या सीन है, आप क्यों आ रहे हो साथ में? आपने जो नीचे से लाया, मैं गाइड 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 के तौर पे आ रहा हूँ। आइए आए तो सही, आगे तो आओ, क्या है आपका? वो बिलाल ने बताया है ना क्या है, नहीं तो आपको कुछ पैसे देना पड़ेंगे क्या? पैसा तो देना पड़ेगा। क्या पैसे देना पड़ेंगे? 1000 रुपये देना पड़ेंगे। चलो ठीक है, 1000 रुपये देना पड़ेंगे। यहाँ से कहाँ जाओगे, जाना तो गंडोला रास्ता वहाँ से। सर पूछा सुना, पूछा सुना तो भजन, आप ऐसा करो यहाँ से हम सीधे गाड़ी दे देंगे, बिल्कुल आराम से गंडोला के पास ड्रॉप करेंगे, फिर वहाँ से 7171500
चलो मिलते हैं आके, है ना, आपको रीजनेबल प्राइस बताते हैं आके फिर। कितने का? कावा कितने का? 30 का। क्या मिला हुआ इसमें? केसर है? हाँ केसर है। कितने का है? 30 का। 30 ना बादाम है ना कुछ भी नहीं मिला हुआ इसमें। आप पी ले, थोड़े बहुत, थोड़े बहुत पी लो। 20 रुपए दे दे बस। 20 रुपए दे। नहीं नहीं वहाँ पर 20 का पिया हमने। 20 का पिया और वो भी इतना बेहतरीन पिया। उसमें वो बादाम केसर मैंने क्या क्या मिला हुआ था। लो पी के देख पहले। ये अच्छा है। लो अरे वही है, आज तो ज्यादा मीठा। लो सर। नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा। नहीं 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 लो। गंडोला की तरफ जा रहे हैं और ये होटल आ गई है, होटल हिल टॉप। यही फेमस होटल है यहाँ की गुलमर्ग। और स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। चश्मा यार देखें क्या? चल आके देखेंगे। हाँ स्टे के लिए भी आते हैं। क्या आते हैं? स्टे करने के लिए आना आते हैं ना। वे टू सिंगल बेडरूम और रिसेप्शन वगैरह रुकना हो। ये देखिए अभी वाली गाड़ी भी चल रही है, इसकी भी शॉप गंडोला सीधे। गंडोला जैसे सीधे जाते स्नोफॉल तेज हो गया है ना। I love Gulmarg. ये इस होटल होटल में क्या मालूम क्या बता रहे थे पापा? खराब ये हम यहाँ आ गए हैं अब गोंडोला के लिए। यहाँ से जाते हैं। चलो चलो आ जाओ इधर, इधर से जाते हैं।
गंडोला आ गया है। जाके भागे जा बिठा सबको। चलो बेटा चलो तो आप लोग फेज टू तक जाते हैं? आज तो फेज टू है सर, नहीं है। अच्छा आज क्लाउड है। ओके आज फेज वन भी सही रहेगा। फेज वन स्कीइंग के लिए आज खतरा ही है। खतरा है इसलिए क्लाउडी में थोड़ा गंडोला बंद हो जाता है। अच्छा तो ये चलेगा भी बंद रहता है? डिपेंड करता है, अगर क्लाउड भी ज्यादा अभी तक तो क्लाउड ही नीचे देखे नीचे नीचे हद कांच का फ्लोर होता है ना, मजा आता है। देख सकते हैं गुलमर्ग में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है और अलग अलग चीजें मिल रही हैं। और देखो आप पूरा क्लाउड पूरा फोगी हो रहा है। नहीं उनको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। नहीं 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 चाहिए हमको। थोप कर हाय इसल भी आए करो रहा है तो कर दो। आप कौन से हो सर? इंदौर से हम। इंदौर से गुलमर्ग में बहुत तेज स्नोफॉल होने लगा है तो हम रिटर्न जा रहे हैं गंडोला से। और यहाँ पे कम से कम मैक्सिमम एक घंटे रहता है और खूब इंजॉयमेंट करा हमने यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है और बहुत ज़्यादा कोहरा भी हो रहा है, फॉग भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं नीचे की तरफ, फिर बताते हैं नीचे चल के क्या एक्सपीरियंस रहता है। आपको दिखाऊं बर्फ का घर, इसको इग्लू बोलते हैं, जो अभी अभी बन रहा है इग्लू।
गर्मी में पिघल जाएगा अप्रैल में। ये ऐसा ये कैरेट्स है, कैरेट में बर्फ रखते हैं और बर्फ से एक के ऊपर एक जैसे ईंटें जमाते हैं ना वैसे जमा रहे हैं। ये देखो आप, इग्लू बन रहा है। पानी डाल रहा है। अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी था। ये देखो This is a Tanmarg and look at the front of this। ये सामने ना उधर सामने गेट है, जूते और अपर बर्फ में जाने के लिए मिलता है। हाथ ताप रहे होंगे अंदर ना, कमा लिया। गरम ग्लव्स दिए उसने मेरे हाथ में, तो निकाल के रखे थे क्या? हाँ उसको मिल गए थे। हेलो बोलो, चेक करते हैं ना बाद में एक बार। हाँ चला, ये कोई चीज़ सीखने मिली कुछ। लेकिन ये बोल अपन थानों से कितनी अच्छी बात बोली, गुलमर्ग में तो बहुत तबीयत ही लूटते हैं। और बोला उसने गुलमर्ग में बहुत खतरनाक तबीयत से लूटा जाता है। अपन को एक जगह देखने बाद में आके देखी, जब उसने अपन को उतारा था वहाँ एक क्रेडिट कार्ड लगा हुआ था पूरा बड़े से होल्डिंग में,
तो उसमें वो जो पट्टी पाप होकर 50 रुपए दिए उसको, उसका कितना है? कितना? 8 रुपए। सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन आता है।